और दोस्तों देखिए इधर सुनीता जी उठा रही है नहीं उठ रहा, इससे नहीं उठोगा नहीं होगा हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप के सब अच्छे होंगे। और दोस्तों अभी मॉर्निंग का टाइम है और देखिए अभी सुनीता जी भी क्या पकड़ी है। और दोस्तों अभी हम लोग जाने वाले हैं अपने बाड़ी में और वहाँ जो हमने जो भिंडी और जो भुट्टे लगाए थे उसको आज जो हटाने वाले हैं, बाड़ी को साफ करने वाले हैं, तो इसीलिए अभी इसको लेके जा रहे हैं हम लोग। ये जो है कटर टाइप का है, इससे हम लोग देसी लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं, दा बोला जाता है। तो देखिए अभी सुनीता जी यही ले जा रही है और मम्मी जो है वो पहले चली गई है बाड़ी में और अभी हम दोनों भी अभी जा रहे हैं। और दोस्तों अभी हम दोनों भी अभी जा रहे हैं अपने बाड़े में। वो रहा मम्मी, इधर देखिए वो पहले ही आ गई है। और दोस्तों देखिए इधर हमने झाड़ू को इधर पूरा बिछा दिया है ज़मीन में सोखने के लिए, क्योंकि कल परसों जो यहाँ हमारे इधर काफ़ी बारिश हो रहा था। और दोस्तों देखिए अभी मम्मी हटा रही है, ये भिंडी का पेड़ है, भिंडी का पौधा है, देखिए हटा रही है मम्मी जी। और अभी हम लोग इसको हाथों से ही उखाड़ेंगे, मतलब उठाएंगे ज़मीन से। और दा को किस काम में आएगा दा? और दोस्तों दा को हम लोग इसलिए लाए हैं जो हाथ से नहीं उठेगा उसको हम लोग इसी से काटने वाले हैं और साइड में भी काटेंगे। और कुछ पेड़ हम लोग ऐसे ही रख देंगे और काटेंगे, जो ये ऊपर का हिस्सा है ना इसको काट देंगे तो फिर से उगेगा, नया पत्ता जो है इसमें उगेगा। तो दोस्तों चलिए पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। और देखिए कितना बड़ा है बाड़ी हमारा और यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है, एक दिन में पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, देखते हैं कितना हम लोग साफ़ कर पाते हैं। अब आ रहे हैं। इसे उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि भूल हो गया है ये पेड़, मतलब उठ नहीं रहा है दोस्तों। वो बाड़ी जो है सूख गया है थोड़ा, धूप काफ़ी ज़्यादा दे रहा है। तो चलिए हम भी एक बार कोशिश कर लेते हैं हमसे उठेगा कि नहीं। और दोस्तों देखिए इधर सुनीता जी उठा रही है नहीं उठ रहा, इससे नहीं उठोगा जोर लगा। देखिए दोस्तों अभी सुनीता जी उठा रही है इसको, नहीं उठ रहा है बहुत नहीं होगा ये पेड़ इतना मोटा हो गया है कि उठाना नामुमकिन सा लग रहा है दोस्तों ये देखिए पेड़ मतलब काफी टाइट है, इसमें अंदर उठ ही नहीं रहा है तो कुछ हो ही नहीं रहा है सुनीता जी तो एकदम उठा ही नहीं पा रही है चलो उठा उठा उसको उठा, इसको नहीं उठा पाएंगे बहुत टाइट है। और दोस्तों देखिए हमने आधा बाड़ी को साफ कर लिया है और इधर देखिए सुनीता जी अभी निकाल रही है, देखिए निकल रहा, ठीक है जो पतला पतला पौधा है वो निकल रहा। ये देखिए दोस्तों अभी सुनीता जी कैसे निकाल रही है इसको, नहीं नहीं इसको काटेंगे। देखिए दोस्तों ये सुनीता जी अभी इसको नहीं निकाल पाए तो देखिए काट रही है। और देखिए हमने सारे बाड़ी में अभी रख दिया है इसको, इसको बाहर ले जाना पड़ेगा, इसको बाद में फेंकेंगे हम लोग। और देखिए इतना बच्चा हुआ है दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों चलिए इसको भी पहले निकाल लेते हैं, जो बच्चा हुआ है इसको भी निकाल लेते हैं पहले।
ये देखिए दोस्तों, अभी सुनीता जी सारे पौधे को अभी काट रही है। हम उठा नहीं पा रहे। पतला वाला निकालो। पतला वाला इधर है ही नहीं। वो निकल जाएगा, निकल जाएगा, उसको मत काटो, बर्बाद हो जाए। देखिए दोस्तों, ये सारे पौधों को अभी काट रही है। इतना पतला भी नहीं निकल रहा। जमा हुआ है नीचे। तो दोस्तों, हमने सारे बाड़ी को साफ कर लिया है। ये देखिए, पूरा बाड़ी में हमने फैला दिया है भिंडी के पौधा और जो मक्के का पौधा है उसको। और दोस्तों, काफ़ी चिड़चिड़ा सा लग रहा है। हाँ। और काफ़ी गर्मी है इसलिए चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है दोस्तों। तो चले पहले इसको बाहर फेंक देते हैं बाड़ी से। और अभी सुनीता जी इसको फेंकेगी, मतलब बाड़ी से बाहर करेगी। और देखिए, हमने साइड साइड में भिंडी का जो पौधा है उसको रखा है उधर भी, और इस साइड भी थोड़ा थोड़ा है। ये देखिए दोस्तों, अभी सुनीता जी इसको बाहर, मतलब बाड़ी से बाहर कर रही है, तभी हमारा बाड़ी जो है वो साफ दिखेगा। और दोस्तों देखिए, हमने पूरा बाड़ी में फैला दिया है। ये देखिए, तो दोस्तों फाइनली हमने बाड़ी को साफ कर लिया है। और देखिए, इधर सुनीता बैठी हुई है, थक गए ना। और दोस्तों, वहाँ जो है काफ़ी धूप था इसलिए हम दोनों अभी छाँव में आ गए हैं, और चिड़चिड़ा सा बहुत ज़्यादा लग रहा था वहाँ पे। और हमने बाड़ी से भी बाहर फेंक दिया है सारे पौधे को। और दोस्तों देखिए, अभी सुनीता जी को एक मशरूम मिला है, ये रहा छोटा सा, बस एक ही मिला है, बहुत छोटा है। और क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ये देखिए दोस्तों, हमें नाम तो पता नहीं है इसका, क्या बोलते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में।